everyone and welcome back to another episode of fixation of your dresses in closet. इस एपिसोड में हम जिस ड्रेस के बारे में बात करेंगे वो ये वाला मरून कलर का ड्रेस है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इस पे जो अब आप क्लोजली इसको व्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी डिटेलिंग्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात कि इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। जो लोग बोलते हैं कि कम रेंट में हमारे पास अच्छे ड्रेसेस नहीं होते हैं तो ये ड्रेस जो है वो हमारे पास बहुत कम रेंट में और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और इस पर काम बहुत अच्छा हुआ है और इसका वेयर लुक भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको इस ड्रेस का कोड बता देती हूँ। इस ड्रेस का कोड है 613B613 और ये हमारे कराची आउटलेट में अवेलेबल है। इस ड्रेस का जो रेंट है वो 18,000 रुपीज़ है, मतलब कि 18,000 रुपीज़ में आपका प्रॉपरली इवेंट कवर हो सकता है और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अब आपको इसके जो है वो कुछ डिफॉल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये ऑर्डर पे जाना है ड्रेस, तो हम इसके जो छोटे मोटे डिफॉल्ट्स होते हैं वो प्रॉपर करके अपने जो है वो कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको किसी भी चीज़ का फेस ना करना पड़े। हम सारी चीज़ें उनको फिक्स करके देते हैं, ड्राई क्लीन, स्टीमिंग, एवरीथिंग हम जो है वो उनको फिक्स करके दे रहे होते हैं। सो इस ड्रेस के सबसे पहले हम क्लोजली व्यू करके इनके डिफॉल्ट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारी टीम इसको कितना फिक्स कर सकती है और फिर एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एंड लुक कैसा है, इसका आफ्टर फिक्सेशन इसका लुक कैसा है और फिर हम अपने क्लाइंट के लिए इसको पैक करेंगे। सबसे पहले ये इसकी नेक लाइन है, इसमें कुछ जगहों पर फिलिंग की ज़रूरत है जो कि हम इसकी फिलिंग करेंगे। देन फिर इसका यहाँ का फ्रंट का वर्क है जो कि आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये इस तरह का मोती लगा हुआ है और यहाँ पर से मिसिंग है, तो ये चीज़ें हम अपनी फिलिंग में कवर कर रहे होते हैं। मतलब अगर इस जगह पर कोई मोती लगा हुआ है इस डिज़ाइन में और यहाँ पर नहीं है तो हम इसको जो है वो फिल कर देंगे, मतलब ये हमारी फिलिंग में कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके ये जो सितारे हैं ये जहाँ जहाँ से भी निकल रहे हैं उनको हम फिक्स कर देंगे। सिमिलरली ये वाला वर्क में भी ये मोती जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मिसिंग है, सो इसको हम फिलिंग में जो है वो कवर कर देंगे। देन ये इसकी जो है वो चोली का नीचे का हिस्सा है और यहाँ पर जो है वो बहुत ही प्यारे से टैसल्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ से थोड़े से रिमूव हो, जो मिसिंग टैसल्स हैं उनको हम प्रॉपरली अटैच कर देंगे क्योंकि जाहिर है जब कोई ड्रेस यूज़ करता है तो उसमें छोटे मोटे जैसे कि मोती गिर गए, उसके टैसल्स गिर गए, ये सारे इशूज़ आ जाते हैं, सो हमारी टीम इनको जो है वो फिक्स कर देती है। ये इसकी स्लीव्स हैं और सारी स्लीव्स में आप देख सकते हैं कि धागे निकले हुए हैं, इफ़ यू कुड सी, तो जो धागे यहाँ से निकले हुए हैं हम इसको जो है वो बिल्कुल प्रॉपर कर देंगे क्रॉपिंग के ज़रिए और फिर इस ड्रेस की स्टीमिंग भी होनी है। ड्रेस का दुपट्टा है और इसके भी जैसे आप बॉर्डर्स देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पर टैसल्स अटैच हैं, जो ये टैसल्स जहाँ जहाँ से मिसिंग हैं हम इनको प्रॉपर करेंगे। अच्छा, ये इस ड्रेस की जो है वो लहंगा है और ये लहंगा भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें काम बना हुआ है और कितना हैवी लहंगा है ये। इसके अंदर जब आप कैन कैन वेयर करेंगे तो इसका लुक जो है वो बिल्कुल ही प्रॉपर हो जाएगा। और अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि इन पर डिफॉल्ट्स कहाँ कहाँ हैं। इनमें जो है वो बहुत सारे जो है वो फिलिंग की ज़रूरत है क्योंकि कहीं कहीं से इनके जो है वो नग निकल गए हैं, तो जो नग निकल गए हैं मोती निकल चुके हैं हमारी टीम उनको फिक्स कर देगी। ये इसके नीचे के बॉर्डर्स हैं और इसमें भी जो है वो शदीद की क्रॉपिंग की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इसमें जो है वो फिलिंग की ज़रूरत है जहाँ जहाँ से भी नग निकल रहे हैं। आपको अगर वीडियो में नज़र आ रहा हो ये वाला एरिया जैसे है यहाँ से जो है वो नग निकल रहा है, सो हम इसको जो है वो प्रॉपर कर देंगे। ये हमारे इस ड्रेस की डिटेल्स थी, अब हम जो है वो देखते हैं कि हमारी क्लोजेट की टीम इसको कितना फिक्स कर सकती है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। हम सब कुछ आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर ये जो है वो किस तरह से फिक्स होगा। ये ड्रेस अब हमारा रेडी होकर आ चुका है और अब हम इसको क्लोजली व्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन कौन से डिफॉल्ट्स फिक्स हो गए हैं। सबसे पहले जो उसके यहाँ से सारे मोती निकले हुए थे जो कि मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाए थे बिफोर की वीडियो में, वो सारे जो है वो प्रॉपरली लग गए हैं। फिर इसके जो टैसल्स थे वो भी प्रॉपरली लग गए हैं आगे पीछे तमाम जगह पर। इसके दुपट्टे में जो टैसल्स लगी हुई थी इसके दो किनारों पर दुपट्टे में टैसल्स लगे हुए हैं
सो ये दोनों किनारों के जो टेसल्स थे वो भी प्रॉपर कर दिए गए हैं। इसके बाद जो इसकी छोटी मोटी फिलिंग्स थी वो भी प्रॉपर कर दी गई हैं। इसको जो है वो अगर आप क्लोजली व्यू करें तो यहाँ पर कुछ फिलिंग्स रहती थी, उनको प्रॉपर कर दिया गया है। ये फिर इसकी स्लीव्स हैं, प्रॉपर तरीके से इसमें क्रॉपिंग कर दी गई है। यहाँ से अब आपको मेनली कोई भी एक धागा आपको निकलता हुआ नहीं दिखेगा। और पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था काफ़ी इसमें क्रॉपिंग की ज़रूरत थी, शर्ट पे भी काफ़ी क्रॉपिंग की ज़रूरत थी और लहंगे पे भी काफ़ी क्रॉपिंग की ज़रूरत थी। और अब ये इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं, क्रॉपिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है। इसका लहंगा है जो कि प्रॉपर हो चुका है, इसमें भी यही इशू था कि इसमें फिलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं आपको इसको क्लोजली व्यू करके दिखाती हूँ। इसके लहंगे के बॉर्डर्स हैं और ये देखें इसमें जो फिलिंग्स की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो है वो फिलिंग की गई है। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है बट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है क्योंकि ये सेम कोरा दबका लगा कर इसकी फिलिंग की गई है। सो ये सब इसके डिफॉल्ट्स थे जो कि अब फिक्स हो गए हैं। इसकी ड्राई क्लीनिंग हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी ड्राई क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है, नीचे से बिल्कुल क्लीन है ये। और इसकी नेक लाइन भी मैंने आपको दिखाई थी, वो भी बिल्कुल क्लीन है। सो ये इसके जो है वो लहंगे का बॉर्डर है जो कि प्रॉपर हो चुका है। इसकी स्टीमिंग भी हो गई है, इसकी क्रॉपिंग भी प्रॉपर हो गई है। अगर आपको याद हो तो लहंगे में बहुत क्रॉपिंग की ज़रूरत थी, बहुत धागे निकल रहे थे। अब आप इसको क्लोजली देख सकते हैं कि यहाँ से धागे ना निकलने के बराबर है, यहाँ से कोई भी धागा नहीं निकल रहा है। ड्रेस जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, इसकी क्रॉपिंग भी हो गई है, इसकी स्टीमिंग हो गई है, इसमें जो फिक्सेशंस थी वो भी हो गई हैं, इसकी फिलिंग भी हो गई है, जहाँ से जो मोती निकल रहे थे वो भी सब जो है वो फिल कर दिए गए हैं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये ड्रेस आपको कैसा लगा, इसकी प्राइस आपको कैसी लगी क्लोजेट पर। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।